हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं विपुल आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो के अंदर। बच्चों, हमारा जो आज का सेशन है वो कक्षा दसवीं की एनसीईआरटी मैथ देख रहे हैं और उसके अंदर जो टॉपिक है हमारा वो है त्रिभुज। और त्रिभुज में हम बच्चों प्रश्नावली 6.2 पे चर्चा कर रहे थे और इसका एक पार्ट हमने देख लिया था। चूँकि यहाँ पे जो 10 क्वेश्चंस हैं मैंने इसको 5-5 के रूप में बांट करके मैं पढ़ा रहा हूँ बच्चों, ताकि आपको एक एक कंसेप्ट जो है अच्छे से तैयार हो सके बच्चों, ठीक है ना। इसलिए आपने अगर पिछला वीडियो नहीं देखा है तो जाके ज़रूर देखिएगा, प्लेलिस्ट में पड़ी है। और थोड़ा सा उसमें आवाज़ का प्रॉब्लम आ रहा था क्योंकि माइक जो है सामने ही रखा था और मैं उसको ले नहीं पाया था और पूरी वीडियो मैंने पढ़ा दिया, ठीक है, बिना माइक का ही। तो चलिए बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, आवाज़ फिर भी ऐसा है जिससे आपका काम चल जाएगा। आज जो है ये जो सेशन चालू करेंगे इसमें भी एक एक कंसेप्ट को देखेंगे। 5 क्वेश्चन बेटा हमने वहाँ पढ़ लिया था, ये है 6वां क्वेश्चन, मैंने आपको बोर्ड पर लिखा है। अब जरा देखिएगा, बोर्ड पे आपको क्वेश्चन दिया गया है कि इस प्रकार का एक चित्र है और इस आकृति में कह रहा है बच्चों कि यहाँ पे PO पर एक बिंदु A है, OQ पर एक बिंदु बेटा B है और OR पे एक बिंदु जो है आपका वो C है। अब कह रहा है कि यदि AB जो है AB के समांतर PQ है, मतलब AB कहाँ है बेटा, ये AB है, अगर AB PQ के समांतर है और AC PR के समांतर है, AC PR के समांतर है, तो यहाँ पे आपको जो प्रूफ करना है वो क्या है, जरा हम क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा, ठीक है ना। तो यहाँ पे प्रूफ करने के लिए कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि BC भी पैरेलल होगा QR के। तो यहाँ पे क्या करना है हमको, सिद्ध करना है बच्चों, ठीक है ना, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि BC जो है BC समांतर है QR के। आइए जरा हम इसे सिद्ध करते हैं और बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही नॉर्मल तरीके से इस क्वेश्चन को हम देखेंगे यहाँ पे बेटा, ठीक है ना। अब बताइए जरा, हमें पता है समानुपातिक प्रमेय, ठीक है बच्चों, और मैंने आपको बताया था जब समरूप त्रिभुज के बारे में थोड़ा सा चर्चा मैंने किया था, मैंने कहा था देखिए जब भी समरूप त्रिभुज होता है, अगर समरूप त्रिभुज की दो भुजाओं का अनुपात अगर बराबर आता है तो उनकी तीसरी भुजा समांतर होंगी, ठीक है बच्चों, ये एक प्रमेय है, ठीक है, आप याद रखिएगा। तो सबसे पहले हम लेते हैं इसको, क्योंकि ये पहले दिया गया है कि यदि AB जो है आपका समांतर होगा PQ के, ठीक है, चलिए मान लिया अगर समांतर होगा बाबू, यहाँ बताओ तो प्रमेय के अनुसार क्या कहता है कि यहाँ देखिए त्रिभुज POQ में, त्रिभुज POQ में बेटा, ठीक है ना, त्रिभुज POQ में क्या होगा, अगर ये दोनों समांतर होंगे तो इनकी भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। ये क्या है, ये प्रमेय कह रहा है। तो इनकी भुजा क्या है, यहाँ पे अगर हम ले लें OA और AP, क्या होगा बेटा, OA बटा में AP हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर OB बटा में QB, ठीक है ना, OB बटा में यहाँ पे हो जाएगा QB, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, या BQ या QB, ये हो जाएगा समीकरण संख्या 1। अब आ जाइए जरा इस पर, ये भी तो दिया था आपको, यदि क्या है, यहाँ पे AC जो है पैरेलल है PR के, मतलब AC जो है PR के पैरेलल है, मतलब यहाँ पे जो त्रिभुज बन रहा है कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज POR में क्या होगा, ये इसके पैरेलल है, मतलब इनकी भुजाओं का जो अनुपात होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। मतलब कह सकते हैं OA अपान AP का जो अनुपात है वो OC अपान CR के बराबर है, OC अपान CR के बराबर होगा। समीकरण 2, बच्चा एक बात बताओ, अगर किसी भी समीकरण का लेफ्ट हैंड साइड अगर बराबर होता है तो राइट हैंड साइड ऑटोमेटिक बराबर आ जाता है, ठीक है ना। तो एक बात बताइए, अगर ये बराबर है लेफ्ट हैंड साइड तो क्या होगा, राइट हैंड साइड ऑटोमेटिक बराबर होगा। तो आप कहेंगे समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, ठीक है ना, तुलना करने पर क्या होगा, तुलना करेंगे तो जब देखिए यहाँ पे अगर ये दोनों बराबर हैं ये भी तो बराबर होंगे, मतलब OB बटा में QB जो होगा बच्चों वो OC बटा में CR के बराबर होगा। और मैंने आपको बताया था अगर किसी समरूप त्रिभुज के अगर दो भुजाओं का अनुपात अगर क्या होता है बराबर आता है तो तीसरी भुजा आपस में समांतर होगी, ठीक है ना। अब बताइए यहाँ पे ये और ये भुजा OB OQ और यहाँ पे OC और क्या है यहाँ पे CR, आपको क्या है इनका अनुपात बराबर है ना, जाहिर सी बात है ये क्या होंगी, ये दोनों भुजाएं आपस में क्या होगी, तीसरी भुजा आपस में समांतर होगी। तो क्या कहेंगे, अतः
अतः यहाँ पे BC जो होगा समांतर होगा QR के बच्चों, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। जल्दी से इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन था, आराम से आप कर पाएंगे इसको, ठीक है ना। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग फटाफट। चलिए अब चलते हैं आगे, आगे क्वेश्चंस को देखते हैं बेटा, ठीक है ना। फटाक से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कमेंट नहीं देख पा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है बच्चों। आप लोग जो है आराम से इसको देखते चलिएगा। देखिए जितनी भी चीज़ें हैं यहाँ पे, वो सारी जो चीज़ें हैं बच्चों, वो मैं अच्छे से यहाँ पे आपको बताने का प्रयास करता हूँ, ताकि एग्ज़ाम में, क्योंकि त्रिभुज में बच्चे फंसते हैं और फंसने की वजह से वहाँ पे थोड़ा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है बच्चों, ठीक है ना। आइए सातवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर के दूसरे भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे सातवां प्रश्न जो है बेटा, वो क्या कहना चाहता है, सीधे सीधे ज़रा याद रखिएगा। कोई त्रिभुज है, मान लेते हैं कि है, ठीक है ना, ये है PQR। फिर कह रहा है ना कि एक जो रेखा है वो त्रिभुज के एक भुजा से, एक भुजा के मध्य बिंदु पर है, पहले कह रहा है एक भुजा के मध्य बिंदु पर है, तथा अन्य भुजा के क्या है, समांतर है, मतलब इसके समांतर है, दूसरी भुजा के समांतर है। तो सिद्ध कीजिए कि क्या होगा, इस भुजा को भी वो क्या करेगी, समद्विभाजित करेगी, या उस भुजा के मध्य बिंदु पे होगी। दोनों एक ही बात है, ठीक है ना। तो आइए जरा इस पे भी हम लोग चर्चा करते हैं बच्चों, और इस क्वेश्चन को भी लगाने का प्रयास करते हैं। बहुत ही छोटा प्रश्न है ये, बहुत ज़्यादा छोटा प्रश्न है, ठीक है बच्चों। तो ज़रा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर क्या है, ई है, और बेटा यहाँ पर एफ है। अब बेटा एक बात बताइए आप लोग, ज़रा ध्यान से समझिएगा कि मैंने आपको बताया था, मैंने आपको सीधे सीधे बताया था कि अगर दो भुजाओं के अनुपात जो है बराबर हो जाते हैं, ठीक है ना बच्चों, अगर किन्हीं भी समरूप त्रिभुज की दो भुजाओं का अनुपात बेटा अगर बराबर हो जाएगा, तो आप बता सकते हैं कि उसकी तीसरी भुजा जो है आपस में क्या होगी, बराबर समांतर होगी बच्चों, ठीक है। आइए ज़रा यहाँ पर वो खुद ही कह रहा है कि इसके मध्य बिंदु से होके जा रही है, मतलब जो यहाँ पर PE है वो EQ के बराबर है बच्चों, मतलब ये वाला इसके बराबर है कि नहीं है, बात समझ में आई यहाँ पर। दूसरा चीज़ वो कह रहा है कि ये दोनों समांतर हैं, क्या कह रहा है बेटा, ये दोनों समांतर हैं, मतलब EF जो है वो पैरलर है QR के। यहाँ तक भी मज़ा आ गया बच्चों। अब देखिए यहाँ पे, अब जो है ये वाला जो है बेटा आपका, देखिए क्या कह रहा है, यानी अगर ये दोनों समांतर हैं तो इनकी भुजाओं का जो अनुपात होगा वो बराबर होगा, ठीक है ना, वो बराबर होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे PE बटा में बेटा EQ बराबर होना चाहिए किसके, PF बटा में यहाँ पे FR के बच्चों, FR के बराबर होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों यहाँ तक। अब जरा ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे इसके जगह पे आप मान रख सकते, क्योंकि PE बराबर है EQ के, मान रखेंगे क्या हो जाएगा, EQ बटा में EQ बराबर PF बटा में FR, बात समझ में आई। यहाँ बेटा ये कट जाएगा, और कटने के साथ आप देखेंगे एक आएगा, और यहाँ पर PF बटा में FR ये जाकर इधर चला जाएगा, तो FR बराबर हो जाएगा PF, ये क्या आ गया, बराबर आया ना। अगर बेटा ये बराबर आएगा, यानी PF और FR बराबर आया, मतलब कहीं ना कहीं ये रेखा क्या कर रही है, उसके बीचों बीच समद्विभाजित कर रही है, बराबर बराबर भागों में काट रही है, बात समझ में आई। तो यहाँ तक जो है आप जल्दी से इसका भी स्क्रीन शॉट लीजिए, देखते हैं आगे बच्चों, ठीक है ना, इसका स्क्रीन शॉट लीजिए। चलिए इसका स्क्रीनशॉट अगर हो गया तो चलते हैं बेटा आगे, अगले प्रश्न पे आते हैं यहाँ पे, और आगे के प्रश्नों को देखेंगे यहाँ पे, ठीक है बच्चों। चलिए यहाँ पे जो भी प्रश्न मैंने आपको बताए हैं वो सारे ही क्या हैं, इम्पोर्टेंट हैं। अब देखिए यहाँ पे जो अगला प्रश्न कह रहा है, आठवां वाला भी बच्चों ना, वो भी कुछ इसी प्रकार का है, बस थोड़ा सा चेंजिंग क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है आठवां प्रश्न, प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है, बात समझ में आई, किन्हीं त्रिभुज की। अब देखिए यहाँ पे त्रिभुज का चित्र वही है, क्वेश्चन वही है, सिर्फ यहाँ पे अगर मैं ये कान को पकड़ रहा था तो इसने क्या कर दिया, इधर से पकड़ लिया, बस और कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन वही है। देखिए आप करेंगे कैसे इसको, तो करने का एक तरीका आप देखिएगा, वो कह रहा है कि किसी त्रिभुज के दो मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, दो मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा बेटा, ठीक है ना, अगर दो मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी के समांतर है, सिद्ध कीजिए बेटा, कुछ नहीं करना है,
कुछ भी नहीं करना है। अगर इनका अनुपात बराबर आ गया तो हम कहेंगे ये दोनों क्या हैं, आपस में समांतर हैं। देख लेते हैं बेटा, चूँकि क्या है पी ई जो है ना वो बराबर है किसके, ई क्यू के, क्योंकि मध्य बिंदु है तो दोनों बराबर होंगे। पी एफ जो है बराबर है एफ आर के, एफ आर के बच्चों यहाँ तो सही है ना, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। अब ज़रा बताइएगा, जब ये आपस में अनुपात बराबर होंगे तो पी ई बटा में क्या होगा ई क्यू बराबर पी एफ बटा में क्या होगा बच्चा यहाँ पे एफ आर होगा। बात समझ में आई ना, एफ आर होगा ना। अब बताइए यहाँ पे, अब चूंकि ई क्यू डालेंगे यहाँ पे, इसके जगह बराबर इसको डालेंगे तो क्या होगा ई क्यू बटा में ई क्यू बराबर यहाँ पे पी एफ के जगह डालेंगे तो पी आर बराबर क्या होगा एफ आर हो जाएगा ना बच्चों। ये कटने के बराबर एक बराबर एक हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आई बात, यहाँ तक बात समझ में आई बच्चों। यानी एक बराबर एक होने का तात्पर्य क्या हुआ, एक बराबर एक होने का तात्पर्य हुआ कि इन भुजाओं का अनुपात बराबर हो गया। जब भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाएगा बेटा तो क्या होगा, आमने सामने की जो भुजाएं होंगी वो पैरेलल हो जाएंगी, क्योंकि समानुपातिक प्रमेय के आधार पे बच्चों, ठीक है, समानुपातिक प्रमेय के आधार पे अगर किन्हीं त्रिभुज के दो भुजाओं का अनुपात समरूप त्रिभुज, बात समझिएगा, किन्हीं त्रिभुज का मतलब समरूप त्रिभुज हो रही है यहाँ पर, ठीक है ना, किसी समरूप त्रिभुज के दो भुजाओं का अनुपात अगर बराबर है तीसरी भुजा ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी आपकी बराबर हो जाएगी। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देखते हैं आगे बेटा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे, आगे जो क्वेश्चन कह रहा है आपका बेटा यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है ना। 7 और 8 जो है बच्चों एक ही टाइप के क्वेश्चंस हैं और उनको आप जो है आराम से देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना बच्चों। यहाँ देखिए ज़रा अगला क्वेश्चन है बेटा 9 नंबर, 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा ध्यान से देखेंगे। अगर कह रहा है कि ए बी सी डी एक समलंब है बच्चों, समलंब का मतलब समलंब चतुर्भुज होता है, त्रिभुज नहीं होता है, याद रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है ना, समलंब चतुर्भुज होता है। ये बेटा क्या हो गया आपका, समलंब हो गया, ठीक है ना। समलंब का मतलब ए बी सी और डी, बात समझ में आई। यहाँ पे ये इसके विकर्ण हो गए, विकर्ण बेटा यहाँ पे क्या कर रहे हैं, काट रहे हैं, बिंदु ओ पे काट रहा है, ठीक है ना। और यहाँ पे ये क्वेश्चन कह रहा है बेटा कि ए बी जो है वो पैरलर है सी डी के, ठीक है ना, होता ही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कह रहा है कि देखिए आप प्रूव करके दिखाइए कि ए ओ बटा में बी ओ बराबर सी ओ बटा में डी ओ, ये चीज़ आपके आएंगे बच्चों यहाँ पे, बात समझ में आई। अब ज़रा एक बात और ध्यान दीजिएगा, एक बात और हमें ध्यान देना है बेटा यहाँ पे कि सबसे पहले यहाँ पे तब तक आप प्रूफ नहीं कर पाएंगे जब तक कुछ चित्र में थोड़ा सा छेड़छाड़ नहीं करेंगे आप। छेड़छाड़ क्या करना है बेटा यहाँ पे, कुछ ऐसे, ठीक है ना। तो मैं कहूँगा कि इसको नहीं बनाइए तो सही है, ठीक है, इसको मत बनाइएगा, ठीक है ना। ये वो है, यहाँ तक रहने दीजिए, ई ई मान लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं बेटा यहाँ तक। अब सुनिए ज़रा यहाँ पे, अगर ये ई जो है, ई ओ जो है वो ए बी के भी समांतर है और ये इसके भी समांतर है, सी डी के भी समांतर, दो केस अपने पास बन रहा है बच्चों, ठीक है ना। तो यानी जब पहले जब क्या होगा, ई ओ पैरलर होगा ए बी के, तब क्या करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे दो, यहाँ पे त्रिभुज क्या बन रहा है, यहाँ पे बेटा त्रिभुज तो यही बन रहा है ना, यही तो त्रिभुज बन रहा है आपका, तो क्या होगा ए ई, ठीक है बच्चों, ए ई बटा में ई डी, ई डी का जो अनुपात होगा इनकी दो भुजाओं के अनुपात के बराबर, क्योंकि देखेंगे यहाँ से एक त्रिभुज बन रहा है बच्चों, ठीक है ना। इनकी दो भुजाओं का अनुपात अगर बराबर होगा तो सामने वाली भुजा क्या होगी, बराबर होगी। लेकिन यहाँ पे मैंने कौन सा लिया है, मैंने इसे और इसे समांतर लिया बेटा, ठीक है ना, थोड़ा सा कन्फ्यूजन नहीं होना है। मैंने लिखा भी है यहाँ पे, ये और ये समांतर हैं, अगर ये समांतर है तो हमने त्रिभुज ये वाला लिया है बच्चों, त्रिभुज ये वाला लिया है, मतलब यहाँ पे ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा का जो अनुपात होगा बराबर होगा, तभी तो ये दोनों क्या होंगे, आपस में समांतर होंगे। यानी मैं लिख भी देता हूँ त्रिभुज कौन सा है यहाँ पे, ए बी डी में, है ना, कन्फ्यूजन नहीं होगा। अब बताइए जरा, ये और ये भुजा इसके और इसके भुजा के अनुपात के बराबर होंगे ना बच्चों, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे हो जाएगा ओ डी, ठीक है बच्चों, ओ डी बटा में, ठीक है बच्चों, या फिर कह सकते हैं ओ बी बटा में, ठीक है ना, उधर से ले रहे हैं ना, तो ओ बी बटा में, ओ बी बटा में क्या होगा बेटा यहाँ पे, ओ डी हो जाएगा या डी ओ हो जाएगा, बात वही बात है, ठीक है ना। अब जरा बताइएगा यहाँ पे, एक चीज़ तो हो गया, हमने समीकरण एक मान लिया। अब बेटा बताइए कि इस त्रिभुज में अगर लें, अगर क्या कहें कि ई ओ जो है पैरलर है सी डी के, क्या बेटा सी डी के, तो त्रिभुज क्या होगा बेटा यहाँ पे, ए बी सी, ठीक है ना, ए सी डी में, ए सी डी में बेटा क्या होगा, जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ से ये वाला, ठीक है बेटा, ये वाला तो अनुपात बराबर होगा,
ए ई बटा में ई डी हो जाएगा। क्यों ई डी होगा? क्योंकि आपको पता है कि जब दो भुजाएं आपस में समांतर होंगी किसी त्रिभुज की, तो उनकी भुजाओं का अनुपात अन्य भुजाओं का अनुपात जो होगा वो बराबर होगा। पीछे से बताते आ रहा हूँ, ठीक है ना, इसका अनुपात और इसका अनुपात आपस में बराबर होगा, ठीक है ना। तो ए ओ बटा में क्या हो जाएगा? ओ सी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। समीकरण संख्या दो हो जाएगा, ये दोनों की तुलना कर देंगे, समीकरण ए व समीकरण दो की तुलना अगर कर देंगे बेटा तो क्या आ जाएगा आपका? तो आ जाएगा आपका, जब तुलना करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी ऑटोमेटिक बराबर होगा। मतलब यहाँ पे ओ ए बटा में चाहे ए ओ बटा में यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी ओ हो जाएगा ना, ओ सी का मतलब सी ओ, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चा, यहाँ पे बी ओ बटा में इसको डी ओ कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसको उधर और इसको इधर लेके आइएगा तो बेटा क्या हो जाएगा आपका, ये ए ओ बटा में बी ओ बराबर सी ओ बटा में डी ओ हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा यहाँ पे आंसर बच्चा, ठीक है ना, क्योंकि यही तो प्रूफ करना चाहता था यहाँ पे और हमने प्रूफ करके ला दिया। अब जो है एक क्वेश्चन बेटा मैं आपके होमवर्क में रखूँगा, क्योंकि ये सेम क्वेश्चन है जो दसवां क्वेश्चन है बाबू, ये वही क्वेश्चन है जो यहाँ पे प्रूव किया है, बस क्वेश्चन का लैंग्वेज चेंज किया है, लेकिन उसका हल जो है यही होगा। तो आप कहिएगा कि या तो आप इसको कर लीजिए या तो आप दसवां को कर लीजिए, दोनों जो है एक ही चीज़ है बच्चों, ठीक है ना, दोनों एक ही चीज़ है, मतलब नौवां दसवां का हल बेटा एक ही है, बात समझ में आई। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। आज जो है हमने ये पूरा का पूरा टॉपिक ख़त्म कर दिया 6.2, आगे 6.3 चर्चा करेंगे बच्चों। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देंगे। जय हिंद।